हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल अन्यास कुमार मैथ्स वाला। तो देखिए आज हमको क्या पढ़ना है। आप लोग को हमने पढ़ाया था फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हमारा दो टॉपिक बचा था, क्या क्या बचा था, वो हमारा लाइक और अनलाइक। चलिए उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। यदि हमारे फ्रैक्शन का पहला लेक्चर आप लोग ने देखे थे, आप जो अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या था, हुआ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए एक बार हमने बता दे रहे हैं, फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हमने पार्ट पढ़ा था, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। क्या क्या पढ़ा था, तीन, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन के पांच प्रकार हमने पढ़ा था। पांच कौन कौन थे, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स्ड, और दो और बचा था लाइक और अनलाइक। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। लिख दे क्या उसको, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। तो लाइक हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, लाइक, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए हमारे पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, पढ़ाने का उद्देश्य है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अक्सर क्या होता है, कभी कभी कोई पूछ देता है कि लाइक फ्रैक्शन, मान लीजिए कोई आपको दे दे, बिन दे दे थ्री अपॉन टू, पूछ दे थ्री अपॉन टू और फोर अपॉन फाइव, पूछ दे या कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप यहीं पर क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये दोनों पता होगा तो बता देंगे लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इन प्रॉपर और प्रॉपर और मिक्स हो तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन लाइक और अनलाइक आपको बताना पड़ता है, ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर लाइक और अनलाइक आपको जानने के लिए सबसे पहले इसको जान जाएंगे तो नहीं बता सकते हैं, अभी इसको देखिए बता देंगे आप कौन सा फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है, लाइक फ्रैक्शन यह कहता है कि हमको, लाइक फ्रैक्शन यह कहता है हमको जानने के लिए, हमको किसी को बताने के लिए, आप अपने कुछ मतलब जो भी समझ सकते हैं। क्या कहता है कि नीचे हर जो है वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, ठीक है, इसको हटाइए, एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि क्या होता है, वन अपॉन टू, थ्री अपॉन टू, फोर अपॉन टू हमने लिख दिया, यह फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए नीचे का सब दो दो, दो दो है, सब समान है, सब लाइक फ्रैक्शन है। क्या कहता है, हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमेशा सेम, यानी बराबर, इक्वल होना चाहिए, सबका दो दो है, तो हमारा लाइक फ्रैक्शन है। यदि यही यहाँ पर विपरीत कर दे, वन अपॉन टू, फोर अपॉन एट, फोर अपॉन थ्री, यह क्या हो जाएगा, अलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि देखिए इसके विपरीत है। यह क्या कहता है, हमारे नीचे का नहीं समान होना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है, हमारे नीचे का जो है डेनोमिनेटर जो है वो हमारा समान नहीं होना चाहिए। आपको हम पहले वीडियो की, इस वीडियो का मतलब फ्रैक्शन का हमने वीडियो बनाया था, उसमें हम बताए होंगे आपको किसको नोमिनेटर और किसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं, बस इतना ही, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, और लाइक और अनलाइक जानकर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो तनी मुनी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो अपने वीडियो की यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।